फरवरी को जोन 3 खुर्सीपार निवासी शेख इस्माइल की बुलेट घर के पास चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा खुर्सीपार थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए चोरों की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो आरोपियों की पहचान कर उनकी घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा गया। इनके पास से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। आरोपी चोरी की गाड़ी को किसी अन्य प्रदेश ले जाने की तैयारी कर रहे थे। घटना की पूरी जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने। यस, ये मेन रोड पे एक दुकान है केजीएन चिकन कॉर्नर करके, वहां से एक बुलेट चोरी हुई थी। बुलेट चोरी की सूचना पर ये प्रार्थी शेख इस्माइल की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इसमें अपने को एक फुटेज मिला था। फुटेज में दो लड़के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं जो बाइक को चोरी करके ले जा रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग जो मुखबिर होते हैं उनको डिस्प्ले किए थे और पता कर रहे थे कि कौन इसमें चोर हो सकते हैं। तो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं इनसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन लोग हैं। इसमें पुलिस के द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले में एक भिलाई तीन निवासी अखरोलडी गाँव के निवासी यशराज हंस उर्फ लक्की और अभिषेक सिंह पिता अमर बहादुर, ये दोनों को उठाकर जब पूछताछ किए तो इन्होंने जुर्म स्वीकार किया और इनसे बुलेट बरामद कर ली गई। इसमें थोड़ा सा जब पता कर रहे थे हम लोग इस संबंध में चोरी हुई थी रात के दौरान पे, जब पेट्रोलिंग के टाइम पे दरमियानी रात जो घटना दिनांक की रात है उस रात पे पेट्रोलिंग टीम जब अपने पेट्रोलिंग पे थी, पेट्रोलिंग टीम को देखकर एक जो लड़का है वो बाइक से उधर से आ रहा था, जो बाइक छोड़कर पुलिस को देखकर भाग गया था। तो बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे पे ले लिया था। उस टाइम पे रात पे एक अननोन नंबर से मेरे ही फ़ोन पे फ़ोन आया था कि मैं किसी प्रेस से बोल रहा हूँ और उसने ये बाइक के संबंध में इंक्वायरी की। बाद में जब अपना जब ये मामले सब क्लियर हुए तो ये जो बाइक है ये बैटरी चोरी, दो बैटरियाँ चोरी हुई थी उसमें घटना में प्रयुक्त बाइक है। डाउट के आधार पर जब इस नंबर को ट्रेस किए, इसमें से कुछ फोटोज मिले अपने को नंबर के आईडी से और लोकल गांव का एड्रेस मिलने पर, गांव में जब पता तलाश किए तो ये नंबर हमको यशराज हंस उर्फ लक्की का नंबर मिला। लक्की का जो फोटो था वो जो फुटेज हमको मिले थे चोरी के दौरान पे वो फुटेज से मैच करता हुआ है। तो उस संदेह के आधार पर हमने जब यशराज लक्की को उठाया तो उसके पास से और उसके साथ में जो उसका साथी अभिषेक सिंह जो रहने वाला बिहार का एक उद्दीन से आके इसके पास रुका हुआ है, इनके द्वारा चोरी किया जाना मामला पता चला। इनके विरुद्ध में धारा 379 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।